नमस्कार, मैं हूँ साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं ICB 24 न्यूज। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के ऊपर, क्योंकि आज है भारतीय वायुसेना स्थापना दिवस। आज़ादी के 15 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना का गठन हुआ था। और आज यानी गुरुवार 8 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने अपना गौरवशाली 88वां स्थापना दिवस मनाया। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 8 अक्टूबर 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसी और शक्तिशाली वायुसेना में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार पल था। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो। हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को हर देशवासी प्रणाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसके लिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान कर देते हैं। देश को अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर को और उनके परिवार को हृदयपूर्ण नमन।